सफेद रंग का रुद्राक्ष है, उसमें श्वेत पना दिखाई देता है तो समझ लो ब्राह्मण जाति का रुद्राक्ष है। तत्पश्चात जो रक्त वर्णा है वो क्षत्रिय जाति का है, पीत वर्णा पीला है, लाल है क्षत्रिय, पीला है वैश्य वर्ण, और सांवले रंग का है वह है कनिष्ठ वर्ण का रुद्राक्ष है। विद्या प्राप्ति के लिए श्वेत रुद्राक्ष बहुत प्रभावशाली है। जिनके बच्चे फौज मिलिट्री में हैं या जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजनीति में एमएलए हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, ग्राम क्या बोलते हैं सरपंच बोलते हैं क्या, हरियाणा में होते हैं गांवों में सरपंच, जो राज सत्ता से जुड़े हैं, ग्राम सत्ता से जुड़े हैं, उनके लिए लाल रंग का रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। जो वाणिज्य हैं, व्यापारी हैं, दुकान चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, ऐसे लोगों को पीले रंग का रुद्राक्ष पहनना चाहिए। नौकरी इत्यादि से जुड़े हुए लोगों को, समाज में सेवा कार्यों को संभालने वाले लोगों को श्याम वर्ण का हल्का सांवला सा रुद्राक्ष ये उन्हें पहनना चाहिए। रुद्राक्ष ये चार वर्ण के जो रुद्राक्ष हैं, ये चारों के चारों अपने आप में बहुत ज्यादा भारी प्रभावशाली। शिव के नेत्र से कौड़ी प्रकट हुई है, नारायण के चक्र से गोमती चक्र प्रकट हुआ, जो कि द्वारका में पूरी दुनिया में गोमती चक्र द्वारका से ही प्रकट होता है। जैसे शालिग्राम भगवान गंडकी से ही प्रकट होते हैं, नर्मदेश्वर भगवान मां नर्मदा से ही प्रकट होते हैं, उसी प्रकार से गोमती चक्र गोमती नदी से ही प्रकट होता है। ये टीवी में आप देख रहे हैं, यहां से रोज आपको वितरित किया जा रहा है। जन सेवा कार्यों में सहयोग कर रहे हैं उनको यहां से दिया ही जा रहा है। इन सब चीजों की बड़ी महिमा है। गोमती चक्र ये श्री वर्धक है, संपदा वर्धक है। कौड़ी भी यहां से दी जाती है, किसी का जादू टोना टोटका अलाय भला ये सब चीजें नहीं रहती। और आनंद की बात है कि चीजें बाजार में मिल जाएंगी ढूंढेंगे तो, लेकिन जो यहां से पूजा के साथ में इसको पूज करके जो आपको दिया जा रहा है, एक विधान पूर्वक दिया जा रहा है, ये विधान बाजार में नहीं मिलेगा।